जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के कुछ अंदर के सीक्रेट्स, डीप सीक्रेट्स को आप तक ला पाऊं। मगर आज की वीडियो के टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा रेफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब दर्शकों जानते हो कि हम इंसान जब इस दुनिया में आते हैं, वो पूरा प्रोसेस, मतलब कॉन्सेप्शन यानी के गर्भाधान से लेकर प्रसव यानी डिलीवरी तक, ये जो पूरा प्रोसेस है दर्शकों, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाहर से देखने में लगता है कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में बहुत आराम में है क्योंकि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर एक बात दर्शकों आप समझ लो कि जितना पीरियड यानी वो जो 9 महीने का पीरियड है, बच्चा अंधकार में है, बच्चा कुछ भी देख नहीं सकता। और हमारा ज्योतिष तो है ही प्रकाश की यात्रा या प्रकाश का ज्ञान या प्रकाश की नॉलेज, क्योंकि ज्योतिष तो सब्जेक्ट ही प्रकाश का है। सो जब ये जन्म का प्रोसेस अंधकार में है, सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। या अब इसके साथ में दर्शकों एक स्टेटमेंट और ऐड करने वाला हूं कि हमारा जीवन है तो ये दुख की यात्रा, मगर अब इस दुख की यात्रा में सुख को कैसे खोजा जाए, ये भी जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही कहीं ना कहीं ये ही क्वेश्चन हमारे सामने रहता है। जैसा मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भ के अंदर बच्चा अंधकार में है, और जैसे ही प्रसव पीड़ा शुरू होनी होती है यानी कि लेबर पेन्स आनी शुरू होती है, तो बच्चा एक डार्क टनल के थ्रू गुजरता है। और वो जो डार्क टनल है, आप देखिए कितना पेनफुल प्रोसेस है बच्चे के लिए। वो जो टनल है वो बहुत छोटी है और बच्चे का साइज उस टनल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। सो बच्चे का पूरा प्रसव, बच्चे का पूरा लेबर का प्रोसेस दर्शकों बहुत पेन में है। बच्चे को तो पेन है ही है, मगर मदर को भी बहुत पेन है। सो कहीं ना कहीं टोटल बर्थ का प्रोसेस ये पेन में है। तो हम दुख में ही पैदा हो रहे हैं, और दर्शकों ये सच्चाई है, दुख और अंधकार। मगर जैसे ही बच्चा, आप देखिए, इस दुख की यात्रा को करके उस अनुभव को लेकर इस दुनिया में आता है, तो आता है एकदम प्रकाश में। एकदम से अंधकार से आदत पड़ी हुई थी बच्चे को, एकदम से जब प्रकाश में आता है तो क्या होता है दर्शकों, आप अपने आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर देखिए, बच्चे की आंखें चुधिया जाएंगी। बच्चा दुनिया को देखने में, उस प्रकाश को देखने में भी डिफिकल्टी फील करेगा, यानी कि उस प्रकाश को देखने में भी उसे कहीं ना कहीं दुख ही होगा। सो दर्शकों, ये यात्रा तो दुख की ही है। और अगर हम ज्योतिष को बहुत ऑनेस्टली समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो यात्रा तो ये अगेन दुख की ही है, क्योंकि शुरुआत होती है सूर्य से, सूर्य यानी प्रकाश, और अंत कहाँ है, अंत है शनि के पास, शनि यानी के अंधकार। आप देखिए, अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से फिर अंधकार, ये ही कहीं ना कहीं हमारी यात्रा है, और इसी यात्रा से हमें गुजरना है। और पूरे जीवन हम क्या करते हैं, इसी दुख के साथ ही चलते हैं। दुख एक रियलिटी है, सुख तो आपके जीवन में, आपका एक्सपीरियंस भी है कि दुख तो जीवन में हमेशा रहता है, मगर सुख कभी कभी आता है। सो जब भी सुख आता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एंजॉय करने लग जाते हैं। और हर इंसान जो इस दुनिया में आता है, सुख की कामना करता है, सुख की डिजायर करता है। सुख उसको मिला ही नहीं है, सुख की सिर्फ डिजायर है, दुख उसे मिला हुआ है। अब आप देखिए, दुख आपका बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक क्वालिटी है, बेसिक इमोशन है। सुख आपको कभी कभी मिलेगा, मगर जो चीज आपको मिली हुई है हमारे शास्त्र या
हमारी जो भी शास्त्रों से लेकर अब तक जो ज्ञान हमें मिला है या हमने लिया है, उसमें हम दुख की बात ही नहीं करना चाहते। बात हम हमेशा करते हैं सुख की, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस चीज की कोई बात नहीं करता कि अगर दुख है तो दुख को कैसे समझा जाए और दुख को कैसे खत्म किया जाए। हम सुख की बातें करते हैं। हमारी ये जो भाषा है, ये सुख ओरिएंटेड भाषा है। दुख को जानने की, दुख को समझने की भाषा हमें आती ही नहीं। और ये ऐसा एक मूलभूत प्रश्न है जो आज के वीडियो में मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। और हमारा ज्योतिष शास्त्र भी इस प्रश्न से कहीं ना कहीं दूर है। जैसे बाकी सभी शास्त्र दुख की बात नहीं करते, सिर्फ सुख और सुख की कामना की बात करते हैं, इसी तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी ये प्रश्न कहीं ना कहीं दिया ही नहीं गया। सो इसका आंसर कहाँ पे होगा? अब आप देखिए, जो मैंने आपको समझाई अभी कि ये जो बर्थ का हमारा प्रोसेस है, ये दुख से भरा हुआ है। सो जब दुख से भरा हुआ है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में दुख हमारे लग्न में होना चाहिए था, क्योंकि लग्न का हमारे जन्म के साथ संबंध है। मगर लग्न में हमें क्या मिला है दर्शकों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में मैं आपके सामने उठा रहा हूं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ चीजें दूसरे शास्त्रों की तरह या तो अनआंसर्ड छोड़ दी गई हैं या उन चीजों को लिया ही नहीं गया। सो कहीं ना कहीं चीजें ऑनेस्ट नहीं है। अंदर जरूर पड़ी हैं मगर बाहर से दिखाई नहीं दे रही। जब हम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होकर चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो दर्शकों, ये तो मानना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुख लेकर हम पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं हमें जीवन मिलता ही इसीलिए है कि ये दुख खत्म हो जाए और सुख आ जाए। मगर हमारी भाषा आप देखिए कैसी है। जीवन के समय हम सुख की बात नहीं करते मगर मृत्यु के बाद स्वर्ग की कामना। हर इंसान मरने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है। कितनी कल्पना की बातें हैं। कल्पना हर इंसान करता रहता है, अपने वर्चुअल वर्ल्ड में बैठकर यह सोचता रहता है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, यहाँ पे मेहनत कर लूँगा वहाँ स्वर्ग में अप्सराएं मिल जाएंगी, ज्ञान मिल जाएगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्या मिल जाएगा। मगर दर्शकों, जो है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, आपका ये जीवन है। जीवन में हम अपनी भाषा को अपने तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हम असली चीज़ों को अपनी भाषा से, अपने प्रश्नों से गायब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लगता है कि हम असली चीजों से भाग रहे हैं, एस्केपिस्ट रूट पकड़ रहे हैं। सो आज की वीडियो में दर्शकों, मैं उस सब्जेक्ट को आपको समझाना चाहूंगा और उसी के ऊपर स्ट्रेस देना चाहूंगा। हम दुख के साथ पैदा होते हैं तो हमारे लग्न में दुख है तो कहां है? और अगर दुख की बात ही नहीं की गई तो उस दुख को यहां पर हमें एंटर करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज आंखें बंद करने से खत्म नहीं हो जाती, गायब नहीं हो जाती। प्रश्न वहीं का वहीं रहता है। कबूतर बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद कर ले तो यह सच्चाई नहीं जाएगी कि बिल्ली है। तो कबूतर को आंखें खोलकर उस बिल्ली से बचने का प्रयास करना चाहिए, ना कि आंखें बंद करके बैठ जाए और बिल्ली झपट्टा मारे और उस कबूतर को खा जाए। आंखें बंद करना यानी कि आप मृत्यु के आगोश में, उस अंधकार में ही जा रहे हो जिस प्रकाश में आपको भेजा गया था, यानी कि प्रकाश में भी आप ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि दुख है, कि ये दुनिया, हम दुख में आते हैं, दुख में जीते हैं। और मृत्यु का समय भी आप दर्शकों अब यहाँ पर समझ लीजिए, मृत्यु भी कौन सी प्लेजेंट है, मृत्यु भी तो दुख ही है। सो जीवन में एंट्री भी दुख में,
जीवन जीने में भी दुख और मरने के समय भी दुख, और बहुत से ऐसे दुख कि हम जीवन में ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हमारी ये बात पूरी नहीं हो पाई, वो भी दुख है। सो कहीं ना कहीं ये जो दुख की यात्रा है, मगर हमें शास्त्रों में क्या पढ़ा दिया गया, हमें पढ़ा दिया गया कि ये तो प्रकाश की यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, ज्ञान से अंधकार से ज्ञान की यात्रा है, और क्या है, मृत्यु से जीवन की यात्रा है। मगर है कहीं ना कहीं इसका दूसरा रूप भी है कि हम रहते ही अंधकार में हैं, प्रकाश तो कभी कभी मिल रहा है। और आप अपना जीवन आजकल जिसको हम कलयुग कहते हैं, आप देखिए कलयुग का मतलब ही अंधकार का युग है, कालिमा का युग है। हम बाहर निकल के सूर्य को लेना ही नहीं चाहते। जब सूर्य को लेना ही नहीं चाहते, उस प्रकाश को लेना ही नहीं चाहते, तो दर्शकों ये कलयुग है नहीं, हमने उससे अपने अगल बगल ओढ़ लिया और आर्टिफिशियल प्रकाश की इन्वेंशन कर ली, क्योंकि ये है इंसान का क्लेवर एटीट्यूड। जो प्रकाश हमें मिला वो हमें एक्सेप्ट नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं हम लेना चाह रहे, हम कमरे के अंदर बैठकर आर्टिफिशियल लाइट्स का प्रकाश लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वी आर मोर कैपेबल, हम प्रकाश इन्वेंट कर सकते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि हम जीवन को खुद बना सकते हैं, जीवन हमें मिला नहीं है। दर्शकों हम ऑनेस्ट नहीं हैं, हम अपने आप को ज़्यादा क्लेवर समझते हैं, अपने आप को ज़्यादा कैपेबल समझते हैं, मगर जब प्रकृति थोड़ा सा भी अपना रौद्र रूप दिखा देती है, आपको उस अंधकार का दोबारा से समझ आता है, जरा सा पानी आ जाता है, आपका आर्टिफिशियल प्रकाश कहाँ जाता है, गायब। छोटी सी प्रकृति की जुम्बिश आपको दोबारा से उसी अंधकार के दर्शन करवा देती है जो अंधकार एक्चुअल में प्रेजेंट है, विद्यमान है, परमानेंट है। सो दर्शकों आंखें बंद मत करिए कबूतर की तरह, जो चीज आपके सामने रियलिटी है उसे फेस करिए, और फेस करने में डर नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। हमारा ज्योतिष शास्त्र में यह बात है, मगर दुख का सब्जेक्ट हमारे ज्योतिष शास्त्र से भी बहुत क्लेवर तरीके से, बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से गायब कर दिया गया। सुख का स्थान फोर्थ हाउस या चतुर्थ स्थान या चतुर्थ भाव दे दिया गया और बोल दिया गया कि चौथा आपका सुख का भाव है, और दुख के लिए क्या बोला गया, दुख की बात नहीं करी गई, दुस्थान बोल दिया गया। ये बहुत चतुराईपूर्ण बातें हैं दर्शकों, जो आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि सच्चाई से, आंखें बंद करने से सच्चाई गायब नहीं हो सकती। आपको दुस्थान बोल दिए गए कि 6, 8, 12 आपके दुस्थान है, बुरे स्थान तो बोल दिया गया, सुख भी आपको ज्योतिष शास्त्र में बता दिया गया, मगर दुख कहाँ है? हमारा तो जन्म ही दुख के साथ हुआ, लग्न में दुख की बात ही नहीं की गई। लग्न में तो आप देखिए सूर्य का बढ़ा हुआ स्वरूप हमें दिखा दिया गया, एग्जॉल्टेड सन बता दिया गया, साथ में मंगल दे दिया गया। अब मंगल चाहे आप मतलब प्रथम भाव के देवता की बात कर ले, आपको यह बताया गया कि प्रकाश आपको पूरा मिल गया, और ये साथ में ऐड कर दिया गया कि प्रकाश का मतलब आपके अंदर आत्मा भेज दी गई, और आत्मा जब भी आएगी वो तो फुल वैल्यू आएगी, आत्मा तो कभी कमा नहीं सकती। और साथ ही में ये ऐड कर दिया गया ऋषियों द्वारा कि लग्न आपके चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सभी भाव बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत सारे चार्ट्स पीछे चले जाएंगे, लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल दिया गया। मगर लग्न में दुख कहाँ है? दुख तो गायब कर दिया, दुख के बारे में तो बात भी नहीं हुई। और चाहे आप किसी चीज को उसमें पकड़ लीजिए,
लग्न में, लग्न की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आप देख लीजिए, उसमें शरीर की बात आ गई, ऑर्गन्स की बात आती है तो हेड की बात आ जाती है, मगर दुख गायब है। मगर दुख तो सबसे बड़ी क्वालिटी थी जो इंसान लेकर पैदा होता है, और यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है कि हम अपने जीवन से दुख को कैसे खत्म करें, दुख के पार कैसे जाएं। कहाँ है हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़? तो दर्शकों, आज की वीडियो में मैं उसी बात को करने की कोशिश करूँगा, उसी चीज़ को हम मिलकर समझने का प्रयास करेंगे कि ऋषियों ने, ठीक है मान सकते हैं कि थोड़ा चतुराईपूर्ण तरीका इस्तेमाल किया, नेगेटिव बात नहीं करी, पॉजिटिव बात करी, उन्होंने हमें सिर्फ प्रकाश की चीज़ें दिखा दी, मगर प्रकाश के पीछे अंधकार भी तो है ना। अब इसी चीज़ में दर्शकों इसका आंसर पड़ा है। जो चीज़ प्रकाश के सामने आ जाती है वो हमें दिखाई देती है, मगर जो प्रकाश के पीछे चीज़ आ जाएगी वो अंधकार में चली जाएगी। मगर जो चीज़ पीछे चली गई वो किसकी है दर्शकों? वो भी तो आप ही की है। अब आप कहो, अब यही चीज़ आप समझ सकते हो, अब लाइट मेरे फेस पे आ रही है, मेरा फेस आपको थोड़ा सा प्रकाशमान दिखेगा, मगर फेस के पीछे का भाव, आप मेरे पीछे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ अंधकार के दर्शन होंगे। सूर्य के आने से शनि कहीं गायब नहीं हो गया, शनि कहीं चला नहीं गया, शनि तो भाई सूर्य का फ्यूचर है, सूर्य का बेटा है, और कहीं ना कहीं हमारी यात्रा इसी सूर्य से, इसी फादर से, इसी पिता से बेटे की तरफ ही तो जाना है, संडे से लेकर सैटरडे, और यही हमारा प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, सन से लेकर सैटर्न। सो ये कहना कि हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, मगर आप देखिए ये चतुराईपूर्ण बात थी, यात्रा तो प्रकाश से अंधकार की हुई, सूर्य से शनि की हो गई। दर्शकों ये बातें हैं जो ऋषियों द्वारा कह लीजिए, या जितने उसके बाद के लोग आए उन्होंने भाषा का इस्तेमाल करके, या आपको ये सिर्फ बताने के लिए कि डराना नहीं है, पॉजिटिविटी में रखना है, मगर डराना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समझ कैसे आएगी? अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो हमें अंधकार महसूस पता कैसे लगेगा? हम अंधकार में चले गए, हम मृत्यु के आगोश में चले गए। सो दर्शकों हमेशा शास्त्रों में एक बात कही गई है, साक्षी भाव, कि आप चेतन रहिए, अपनी आंखों को हमेशा खोल के रखिए, प्रकाश कम भी हो या प्रकाश ना भी हो तब भी आप चेतन रहिए, अपनी आंखों को खोल कर रखिए। और जब यह आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि जब हम अंधकार में जाते हैं, आप अंधेरे कमरे में जाइए, आंखें खुली रखिए, थोड़ी देर में आपकी आंखें उस अंधकार में भी देखने के कैपेबल हो जाती हैं। सो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी परमात्मा ने आपके अंदर डाल के भेजी है। सो दुख के अंदर सुख हो सकता है, मगर दुख तो दर्शकों परमानेंट है, अंधकार तो परमानेंट है, सुख कभी कभी आएगा, प्रकाश कभी कभी आएगा। सो दुख और अंधकार ये ऐसी रियलिटी है जिससे हम आंखें बंद करके भी मुंह नहीं मोड़ सकते, ये तो हमारे सामने आएगी, ये तो बार बार दिखेगी। तभी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो उस तरह के एडवाइजर फिलोसफर्स हैं उनके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस यही आते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में ये दुख है, कि जी हमें कोई रास्ता दीजिए, हमें प्रकाश दीजिए, हमें रास्ता दिखाइए ताकि हम इस दुख के पार जा सकें। आपकी इच्छाएं भी दुख से पार जाने की हैं, आपकी सोच भी दुख से पार जाने की है। सो दुख को गायब क्यों किया? दुख होना चाहिए था लग्न में, और सबसे बड़ी क्वालिटी के रूप में वहां पे विद्यमान होना चाहिए था, ताकि
आपको समझ आए कि हमारा जीवन में दुख भी है। अगर लग्न में दुख होता या दुख के बारे में बताया जाता तो मैं ये लेता कि यस, ये बहुत ऑनेस्ट एनालिसिस है। और जब हम क्लेवर एटीट्यूड में चले जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो ये चीज अधूरी रह गई। तभी तो लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को, आप देखिए कितने शैलो लेवल पर ले लिया। लाइफ की चीजें कैसे ठीक होंगी, शादी कब होगी, बच्चे कब पैदा होंगे, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमें लाइफ में सुख कब मिलेगा, अब देखिए हर क्वेश्चन के पीछे सुख की कामना। मगर दुख के बारे में अब क्या आ गया, आप देखिए हम कितने सुपरफिशियल लेवल पर, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल पड़े। दुख को दूर करने के लिए हम रेमेडीज के पीछे चल पड़े, दुख को समझा नहीं, क्योंकि दुख को तो गायब कर दिया गया, आपको बताया ही नहीं गया कि दुख है। सो आम आदमी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह के क्लेवर रेफरेंस यूज करना, दर्शकों मैं इसको क्राइम मानता हूं। डराना नहीं किसी को, क्योंकि डराने से वो एक ब्लैकमेल का खेल निकल आता है आगे से। सो ना डराना, मगर सही तरीके से समझाना, क्वेश्चन को गायब नहीं करना, उसको समझाना। आज की दर्शकों वीडियो इसी वजह से थोड़ा लंबी भी हो जाएगी, मगर इसमें कोशिश करूंगा कि एंड तक आते आते आपको चीज को समझा पाऊं। अब लग्न में आप देखिए, लग्न में आपके पास क्या क्या है। लग्न में हम शरीर की बात कर रहे हैं, लग्न में हम बात कर रहे हैं साथ ही में अपने हेड की, अपने विचारों की। और दुख कहीं ना कहीं जब होता है तो हम अपने बुद्धि के एनालिसिस से, जो हमारे दिमाग में जो बुद्धि है, उस बुद्धि को यूज करके हम दुख से पार जाने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज सामने दिखाई देती है वहां दुख नहीं है, दुख अंदर पड़ा है। और दुख को, दुख से पार जाने के लिए भी परमात्मा ने आपको ये जो मशीन दी, इस मशीन के अंदर आपको एक सही तरीके से उसका निदान भी दे दिया। मगर अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें कि किसी भी इंसान जो इस धरती पर आया, जिसको जन्म मिला, क्या उसमें दुख था? बाहर से देखने में बच्चा खिलखिलाता है, मगर आता तो रोते हुए है। और रोना जीवन की पहली निशानी माना जाता है। हम डॉक्टर्स बच्चे को क्राई करवाते हैं और वैसे भी बच्चे रोते हैं, तो रोना जीवन का पहला सिम्टम है। मगर हमारे ज्योतिष में अगर बर्थ लग्न में डाली तो ये रोना, ये फर्स्ट सिम्टम, ये फर्स्ट क्वालिटी क्यों गायब कर दी गई, मेरा ये प्रश्न है दर्शकों। और कोशिश करता हूं कि इसको समझाऊं मैं आपको, क्योंकि दर्शकों हमारी आदत हो गई है कि हम हर चीज को सुपरफिशियल लेवल पर लेते हैं। सुपरफिशियल लेवल पर ज्योतिष में लग्न है, लग्न है तो लग्न का एक देवता है जिसको हमने ग्रह के साथ एसोसिएट कर दिया। मगर उसी लग्न के अंदर जब आप जाते हो, आपका लग्न किसी एक खास नक्षत्र में होता है, और वो जो नक्षत्र है और जो उस नक्षत्र का पद है, वो कहीं ना कहीं आपके जन्म के साथ आपको वो पूरी पिक्चर दिखाने में सक्षम है, जिसके बारे में बाहर से बात नहीं हो रही, क्लेवर तरीके से चीज को छुपाया गया। अब आप देखिए, मेरा जन्म तुला लग्न में हुआ और स्वाति नक्षत्र में हुआ। मैं अपनी बात बता देता हूं और आप वहीं से अपने अपने लग्न के बारे में इन चीजों को समझ पाओगे। जब स्वाति नक्षत्र में हुआ, बाहर से देखने में स्वामी कौन लगता है? शुक्र है। नक्षत्र को देखते हैं तो स्वामी कौन बन गए? राहु बन गए। मगर दुख क्या, शुक्र का दुख या राहु का दुख? दर्शकों कोई ये बातें नहीं करता, लोग सिर्फ आपको वो हल्के से सुपरफिशियल लेवल के शॉर्टकट्स देंगे,
कोई नहीं अंदर जाके बात समझाने की कोशिश करेगा। अब आप समझिए, आपके लग्न के अंदर ये दो खास चीजें हो गई, एक स्वामी जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, एक स्वामी जो अंदर से दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जब आप उस पद के स्वामी को देखोगे तो वहां पे एक नई पिक्चर दिखाई दे जाएगी। मगर यहीं पर दर्शकों सारी बात पड़ी है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इन चीजों के बारे में ऋषियों ने बोला है, मगर हमने उन्हीं चीजों को गायब कर दिया। बहुत क्लियरली दर्शकों ऋषियों ने बोला कि जो आपका लग्न है वो उन चीजों के बारे में बता रहा है जो दिखाई दे रही हैं, जो सामने हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से रियलिटी में आपके सामने दिखाई दे रही हैं। मगर उसका जो दूसरा पार्ट है, जो पीछे छुप गया, जो अंधकार में आ गया, क्योंकि प्रकाश की चीज आपको दिख गई, मेरा फेस आपको दिख गया, मगर मेरे पीछे क्या है, है तो मेरा ही हिस्सा ना। और उसके लिए उन्होंने बोला कि वो आपका मिरर इफेक्ट हाउस, वो आपका सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव किस चीज का है, जो चीज आपकी अंधकार में पड़ी है वो समझना है आपको कि आपका दुख वहां था, आपका अंधकार का बेसिक स्वभाव वो था। और जब आप उसको नक्षत्र के हिसाब से समझोगे तो आप और ज्यादा सही तरीके से चीजों को समझ पाओगे। अब जैसे मेरा स्वाति नक्षत्र है तो मेरे उसका ऑपोजिट, उसके पीछे का कहां गया, वो केतु में चला गया, क्योंकि स्वाति के स्वामी राहु हैं, तो अंधकार में क्या जाएगा, केतु जाएगा। अब दर्शकों वैसे भी ये तो एक नॉर्मल बात है कि हम कहते हैं कि हर इंसान का केतु उसके पास्ट के बारे में बताता है, पास्ट के बारे में बताना और बात है, मगर पास्ट के साथ दुख, क्योंकि हमारी जब डेथ होती है, जो हमारी अनफिनिश्ड डिजायर्स, अनकंप्लीटेड डिजायर या इनकंप्लीट डिजायर्स, वो ही हमारे दुख होते हैं, क्योंकि उन दुखों के साथ ही हम मृत्यु में प्रवेश करते हैं और मृत्यु का अपना दुख है। सो ये दुख आपकी मेमोरी में होंगे, मगर आप उसको खोजोगे कहां। अब जन्म के समय का दुख बाहर से तो आपका शरीर, शरीर परमात्मा सबके शरीर को बहुत सुंदर बना के भेजता है, बाहर से तो हर बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मगर अंधकार में जब आप उसी बच्चे के अंदर जाके देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस बच्चे को कितना दुख है, कितने दुख के प्रोसेस से ये आया। और वो आपको कैसे समझना है, जो दर्शकों उसका नक्षत्र होगा उसका बिल्कुल उल्टा लीजिए, उसका ऑपोजिट 180 डिग्री आप देखिए कि वो कहां पड़ा होगा। अब मेरा दुख मेरे केतु से रिलेटेड है, और जो दर्शक मेरी इस जर्नी को देख रहे हो आप सब क्लियरली समझ सकते हो कि मैं ज्यादा मृत्यु की बात करता हूं कि मृत्यु से कैसे सीखा जाए, क्योंकि मृत्यु के पार जाने की केम आ गई है। मृत्यु को समझना, मृत्यु के पार जाना, इस जीवन मरण के खेल से बाहर जाना। बाहर से देखने में स्वाति नक्षत्र है, मेटीरियलिस्टिक दुनिया मुझे मिली, मगर मेरा दुख तो केतु का ही था। और ये चीज मेरा दूसरा जो नक्षत्र जिसको हम चंद्रमा के साथ लेते हैं। अब दर्शकों ये बात आप क्लियरली समझ लो, पहले मैंने बताया लग्न, अब मैं बात कर रहा हूं आपके चंद्र नक्षत्र की। अब मेरा चंद्र का नक्षत्र दर्शकों फिर वही आया, वो केतु का ही मिला, मुझे माघा नक्षत्र मिला। अब माघा नक्षत्र आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं वो राजा बनाने के साथ था, तो कहीं आप सोच सकते हो सकता है कि मेरा ये दुख पिछले जन्मों में था कि पिछले जन्म में मैं राजा नहीं बन पाया, मुझे वो लाइमलाइट नहीं मिल पाई, मेरे जीवन में मेरे पितरों के साथ वो कुछ संबंधों का खेल था जो पेंडिंग था, या जीवन मरण का खेल ही तो था, क्योंकि मघा किसका है, केतु का नक्षत्र है।
मगर मगा में जो सबसे बड़ी बात सीखने या समझने की होती है कि इंसान को हम्बल कैसे रहना है, ग्राउंडेड कैसे रहना है। आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई, राजा तुल्य हो गई आपकी एनर्जीज, मान लिया, मगर आप कितने हम्बल हो, आप कितने ग्राउंडेड हो, क्योंकि एनर्जी के फ्लो के लिए आपको अर्थ चाहिए, वो भूमि चाहिए, उस भूमि से आपकी एनर्जी सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाएगी। सो वो हम्बलनेस, वो साधना वो चाहिए थी। अब दर्शकों, ये तो मैंने सुपरफिशियल लेवल पर अपने बारे में आपको सिर्फ समझाने का प्रयास किया, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से कोई बच्चे का लग्न आप समझ लीजिए मिथुन लग्न है। अब मिथुन लग्न का स्वामी मरकरी है। अब मरकरी का ऑपोजिट कौन होगा? मरकरी का ऑपोजिट हमेशा गुरु होता है। दर्शकों, शुक्र और मंगल हमेशा आमने सामने मिलते हैं आपको। जो चीज आपको दिखाई दे रही है दर्शकों, वो कहीं ना कहीं फिर भी रियलिटी में है, फिर भी सुख में है, क्योंकि प्रकाश में है। मगर दुख पेन अंधकार का सब्जेक्ट है, तो उसको समझने के लिए आपको उसका ऑपोजिट में जाना पड़ेगा। हम मरकरी के लग्न वाले लोगों के लिए उनको जुपिटर चाहिए, उनको ज्ञानवान इंसान चाहिए पीछे बैठा। उनकी सबसे बड़ी समस्या वही होती है कि उनको ज्ञान चाहिए। मगर अब आप देखिए दूसरी तरफ, अब जो लोग गुरु लेकर पैदा हो जाएं, अब मजेदार बातें हैं दर्शकों, ये मगर समझनी पड़ेगी। अब गुरु ज्ञान तो ले आया, अब गुरु अपने ज्ञान का क्या करेगा? गुरु को शिष्य चाहिए, वो ही उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। गुरु अपने शिष्य खोजेगा। अब शुक्र में हर तरह की पॉसिबिलिटी कैपेबिलिटी है सुख समृद्धि की, मगर उसके लिए शारीरिक सौष्ठव चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए, मार्शल क्वालिटीज चाहिए। तो शुक्र हमेशा बलशाली इंटेंट को खोजेगा, क्योंकि वो चीज उसका दुख होगी, उसको नहीं मिली है। क्योंकि शुक्र के सामने बहुत सीधी बात है, मंगल मिलेगा। तुला लग्न के सामने आप देखिए सप्तम भाव में क्या है, राशि कौन सी जानी, राशि जानिए मेष। ये बिल्कुल स्पष्ट है कुछ चीजें दर्शकों कि ये ऐसे ही है, और आपके दुख उन्हीं चीजों के साथ संबंधित होंगे। वो आप चाहे चंद्र राशि में खोजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चंद्र राशि की बात वो आपके शरीर की ही नहीं है, वो आपकी साइकोलॉजी की है। मगर शरीर का दुख कहां पड़ा है? आपके उस उल्टे में। तभी तो तुला राशि वाले क्या करते हैं, अपने शरीर को चमकाने का प्रयास करते रहते हैं, जिम जाएंगे, दिखाने का प्रयास, शो ऑफ। ये चीजें दर्शकों बहुत कॉमन है। हालांकि आप कह सकते हो कि ये चीजें क्या सर आप में भी हैं, वो एक अलग मैटर होता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर का, मगर ये दुख है। तुला वालों के लिए शारीरिक प्रॉब्लम्स मिलेंगी उनको, ये उनका दुख होगा, बहुत क्लियर है बात। जैसा मरकरी वालों के लिए जुपिटर चाहिए, जुपिटर के लिए मरकरी चाहिए, क्योंकि ये ऑपोजिशंस हैं दर्शकों, बहुत सिंपल सी ऑपोजिशंस हैं। मन के सामने शनि चाहिए, शनि के सामने चंद्रमा चाहिए, ये ऑपोजिशंस। इन ऑपोजिशंस को आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये दुख ऋषियों ने एक्चुअल में बताया था, मगर हमने अपने उस क्लेवर इंटेंट से उस भाषा को इन्वेंट कर लिया या लोगों में प्रचलित कर दिया कि भाई यही भाषा बोलो, आप सच की बात ना करो, सिर्फ दिखाओ कि हम बहुत खुश रहते हैं, हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, हम बहुत हैप्पी रहते हैं, हम बहुत सुख में रहते हैं, दुख हमारे जीवन में है ही नहीं। मगर दर्शकों सच्चाई ये है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से ना चेतना कहीं जानी है, ना सच्चाई कहीं जानी है, क्योंकि सत्य को छुपाया तो जा ही नहीं सकता। आज बहुत से दर्शक मुझे मालूम है उनके बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मगर एक बात है
दर्शकों, मैं वीडियो बनाता ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं आपको आंदोलित करना चाहता हूँ आपके दिमाग में, ताकि वो पूरा का पूरा एकदम से वो क्वेश्चंस की बाढ़ आ जाए। मैं चाहता यही हूँ, उसी चीज़ को मैं इंस्पायर करता हूँ आपको कि आप सोचो। सिर्फ जो चीज़ें आपको दे दी गई आपके फादर मदर द्वारा, आपके समाज द्वारा, आपके गुरुओं द्वारा, जो चीज़ें आपको दे दी गई वो तो मिल गई आपको, उसमें कोई नकारना नहीं। और दूसरी चीज़ दर्शकों, एक बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ, कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, कभी किसी को बुरा मत बोलिए, हाँ उसे समझने का प्रयास करिए। अगर ज्योतिष शास्त्र में या दूसरे शास्त्रों में अगर वो बात नहीं करी गई, बहुत से लोग आपको मिलेंगे वो सीधा सीधा उनको क्रिटिसाइज करना, उनको कोसना शुरू कर, नो, उसको खोजिए, उसको ढूंढने की कोशिश करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा और स्क्रैच करिए, अंदर जाने का प्रयास करिए, हो सकता है कि आंसर वहाँ पड़ा। और इन्हें वे ये भी हो सकता है कि वो ऋषि चाहते थे कि ये जो मुश्किल प्रश्न है इसके उत्तर आपको आसानी से ना मिले, आपको मेहनत करके मिले, जीवन जी के, जीवन के कष्टों से वो आंसर्स आपको मिले। सो दर्शकों, ये मैंने अभी आपको इस प्रश्न का सिर्फ एक हिस्सा उत्तर का दिया है, अभी इसके अंदर भी बहुत अभी कुछ पड़ा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। सो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मगर यहाँ से मैं एक चाहता हूँ कि इस जर्नी की शुरुआत की जाए। आप भी अपने अनुभव मुझे भेजिए जो आप इस सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें ज्योतिष शास्त्र को या किसी भी शास्त्र को ये नहीं बोल देना कि ये इनकम्प्लीट है, हमें उसको कंप्लीट करने का प्रयास करना है। जो चीज़ अभी तक सामने नहीं थी हमें उसे समझना है और उस चीज़ को कंप्लीट करने का प्रयास करना है। हमें दूसरों के साथ हमें कोई कंपटीशन नहीं लेना, किसी को कोई छोटा, किसी को कोई बड़ा, कुछ भी नहीं है दर्शकों, क्योंकि ज्ञान का सब्जेक्ट होता ही ऐसा है। ज्ञान में सभी हाथ जोड़कर हम्बल बने रहिए, समझने का प्रयास करिए। और इसमें एक डायरेक्शन मैंने आज आपको दी है, अभी इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, आप भी अपने उत्तर मुझे भेजिए, उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके हो सकता है कि आगे ये इसी तरह के क्वेश्चंस एक बुक की शक्ल ले लें, और उस बुक में ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके जो इनपुट्स होंगे मैं उसको भी छुपाऊंगा नहीं, मैं उसको भी लेने वाला हूँ। सो ये एक यात्रा शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगी दर्शकों, आप सबका स्वागत भी है इसमें। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9888164480। और दर्शकों, दोबारा से करबद्ध निवेदन कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए, ताकि ये ज्ञान की यात्रा बढ़ती जाए, ज़्यादा ज़्यादा घरों में पहुँचे, वो प्रकाश पहुँचे, और हम सब लोग अपने जीवन के मतलब को समझ पाएँ और अच्छे तरीके का जीवन जीने में सक्षम हो पाएँ। सो दर्शकों, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।